हाँ जी ब्रेक खत्म ठीक है सर अभी तक क्या हुआ है सर अभी तक हमने मार्जिन किया और मार्जिन के क्वेश्चन ऐसे जनरली आते नहीं है पर पता नहीं अभी पिछले दो अटेम्प्ट में रेगुलर क्वेश्चन आए हैं वो आपके सामने वो मैंने करवा चुका है लेकिन अब जो है कितने पार्ट बाकी है टोटल मिलाकर तीन मार्जिन हो गया एक वैल्यू बचा है कौन सा फ्यूचर का वैल्यूएशन ऑफ फ्यूचर उसके बाद क्या बचा है उसके बाद बचा है बीटा मैनेजमेंट वो दोनों इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई कमोडिटी फ्यूचर कभी आता है आता ही नहीं है ना के बराबर लेकिन वो दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो अब हम कर रहे हैं पॉइंट नंबर टू पार्ट नंबर टू वैल्यूएशन ऑफ लिखना नहीं है लिखा हुआ है आपकी बुक बस समझना और बिल्कुल ध्यान से समझना है भाई अच्छा सर जी हाँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए मैं पहले भी बता रुक, बता चुका हूं कि ये इम्पोर्टेंट है और ज्यादातर क्वेश्चन हम प्रैक्टिस मैनुअल वगैरह का लिखें अभी सुनो मेरी बात ठीक से जब क्या हमने ऑप्शन में भी वैल्यूशन किया था यस yes, हम निकालते थे वैल्यू ऑफ ऑप्शन बड़ी सारी मेथड थी उसमें पुट कॉल पैरिटी मेथड और क्या था यार डेल्टा हेज़िंग और बाइनोमियल बी एस एम बहुत कुछ था इसमें क्या है इसमें सिर्फ एक ही है जिसका नाम है कॉस्ट टू कैरी मॉडल री मॉडल या फिर मालूम है इसको और एक नाम से बोलते हैं हम निकाल क्या आ रहे हमें क्या निकालना है हमें निकालना है फ्यूचर का प्राइस फ्यूचर का प्राइस मतलब थ्योरिटिकल फ्यूचर प्राइस सर समझाइए समझा रहा हूं ठीक है सर स्टॉक स्टोक राम स्टॉक एक्सर शेयर किसका रिलायंस का अभी प्राइस कितना है 500 अभी प्राइस है 500 ठीक है अब राम को ये लग रहा है कि यार इसका प्राइस एक साल बाद में एक साल के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं हालांकि एक साल के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है पर ठीक है एक साल फर्क क्या पड़ता है बुक में हम तीन माह दो माह की बात नहीं करेंगे मैं एक साल ताकि आपको इजिली बात समझ में तो राम को ऐसा लग रहा है कि एक साल बाद रिलायंस के शेयर का प्राइस पांच सौ रुपए से ज्यादा होगा पांच सौ रुपए से बढ़ेगा हंड्रेड परसेंट तो क्यों ना स्टॉक एक्सचेंज के पास जाए और बैटिंग कर ले किस कौन सी बैटिंग अपसाइड की प्राइस बढ़ेगा सीधी सी बात ठीक है या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट कर ले कॉन्ट्रैक्ट टू बाय या फिर लॉन्ग पोजिशन आप जो बोलना है बोल तो स्टॉक एक्सचेंज के पास जाता मैं बुक के लैंग्वेज पे ज्यादा फोकस कर लू अभी कि राम कहता है कि स्टॉक एक्सचेंज में कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं किस चीज का खरीदने का क्या खरीदना है शेयर कौन सी कंपनी का रिलायंस का ये बात फाइनल हो गई कि स्टॉक एक्सचेंज हम रिलायंस का शेयर खरीदना चाहते हैं ठीक है कब खरीदना चाहते है? बोले एक साल बाद खरीदना चाहते हैं। तो बताओ एक साल बाद कितने में दोगे और स्टॉक एक्सचेंज ने कहा ठीक है एक साल बाद आप ले जा लीजिएगा रुपीस फाइव ट्वेंटी सेवन का खुश आज अगर मैं शेयर खरीद के होल्ड करता हूं तो आज शेयर खरीद के होल्ड करता हूं तो तो सर आज मुझे 500 का पड़ेगा और मैं बाद में बेच दूंगा जबकि मैं आज होल्ड नहीं करता हूं आज मैं खरीदता ही नहीं हूं बस एक कॉन्ट्रेक्ट कर लेता हूं स्टॉक एक्सचेंज से तो वही शेयर मुझे एक साल बाद 527 का पड़ेगा सवाल ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे शेयर खरीदने का करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कितने में मिल रहा है फाइव में बोलो करे कि नहीं करे सर तो क्यों करे आज तो पांच सौ रुपए का मिल रहा है ना तो खरीद लो आज शेयर ठीक है लेकिन दिक्कत है ना अगर आज खरीदूंगा तो इंटरेस्ट भी तो लग जाएगा हाँ सर बैंक में जो पैसा मेरा जमा होगा या बैंक से मुझे उधार लेना पड़ेगा शेयर खरीदने के लिए इट मींस means... बैंक ये है बैंक और बैंक कहते साहब हम दस परसेंट इंटरेस्ट लेंगे दस परसेंट इंटरेस्ट चलो और कम कर देता हूं पांच परसेंट पर है ना साल भर का बैंक फाइव परसेंट इंटरेस्ट लेगा सवाल बस इतना है कि शेयर आज खरीदा जाए कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया जाए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ठीक अब मैं सोच रहा हूं सोचने में क्या दिक्कत है अगर मैं आज शेयर खरीद लेता हूं तो क्या मैं बैंक से पैसे निकाल लूंगा यस अगर मैं बैंक से पैसे उठाऊंगा तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो वही शेयर जो मैं आज खरीदूंगा एक्चुअल में उसका जो प्राइस है मुझे 500 नहीं पड़ा मुझे कितना पड़ा 525 500 प्लस इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना पांच सौ का पांच परसेंट कितना तो टोटल तो मिलाकर मुझे कितने का पड़ रहा है फाइव ट्वेंटी फाइव का शेयर जबकि 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 मैं आज शेयर नहीं खरीदता हूं कॉन्ट्रेक्ट करता हूं तो एक साल बाद मुझे जो भी शेयर खरीदूंगा फाइव ट्वेंटी सेवन का पड़ेगा बताओ कॉन्ट्रैक्ट करें कि हम आज शेयर खरीदे सर कॉन्ट्रैक्ट करने का फायदा नहीं है पांच सौ सत्ताईस रूपये का पड़ रहा है आज ही शेयर खरीद लो तो भी इंटरेस्ट भी अगर आप बैंक से पैसे उधार भी लेते हो ना तो भी आपको पांच सौ पच्चीस रुपये ही पड़ रहा है क्यों टेंशन ले रहे हैं सर आज ही आप आज शेयर खरीदिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मत कीजिए मालूम है इसका नाम क्या है सर क्या नाम है इसका ये 525 का नाम है कुछ और इसको नाम दे रहे हम थ्योरिटिकल फ्यूचर प्राइस थ्योरिटिकल फ्यूचर प्राइस इससे हमको कंपैरिजन करना सर थ्योरिटिकल फ्यूचर प्राइस मतलब स्पॉट प्राइस प्लस इंटरेस्ट हाँ और कुछ नहीं है इससे इससे हमें कंपेयर करना इसका कि हमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहिए कि फिर आज ही शेयर खरीद लेना चाहिए ठीक है ठीक है और सुनो। और बढ़ा रहा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता चेंज कर रहा हूं ध्यान से पांच परसेंट नहीं होता दस परसेंट होता तो फिर क्या होता तो फिर क्या होता जरा सोचते है बेटे सोचते हैं तो फिर सर ये पचास रुपए हो जाता तो हमको पाँच सौ पचास रुपए का पड़ता अगर पाँच सौ पचास रुपए का पड़ता तो सर हम क्या करते सर कॉन्ट्रेक्ट कर लो भाई ज्यादा अच्छा आज शेयर मत खरीदिए अगर आज शेयर खरीदोगे तो फाइव हंड्रेड प्लस दस परसेंट पांच सौ पचास रुपए खर्च होगा उसके पैसे क्यों इतना खर्च कर रहे हो यार एक साल बाद पास हो सकता है शेयर खरीद लो सवाल यह नहीं है कि सवाल यह है कि चाहे आप खर, आज खरीदो चाहे एक साल बाद खरीदो उससे एक साल बाद जब बेचोगे ना तो भाई उतने का ही प्रॉफिट होगा बस मुझे वो समझाना है ठीक से ठीक है सर ठीक है सर वो लोग क्या करें सर एक काम करो ना आप एक काम कीजिए सर आज शेयर खरीदने का फायदा नहीं है एक साल बाद शेयर खरीद लीजिए ध्यान से अब आखिरी बात अगर मैं आज शेयर खरीदता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साल के एंड में मुझे डिविडेंड भी मिलेगा तो नो ध्यान से एक्सपेक्टेड है अगर मैं आज शेयर खरीदता हूं तो मेरा अनुमान है एक्सपेक्टेशन है कि मुझे डिविडेंड मिलेगा और मुझे डिविडेंड मिलेगा तीस रुपए डिविडेंड भी मिल जाएगा जबकि मैं फ्यूचर कॉन्ट्रेक्ट करता हूं तो डिविडेंड नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें तो मुझे आज शेयर खरीदना ही नहीं है सीधा वहां पहुंचना है ऑन मेच्योरिटी एक साल बाद और शेयर इधर का लेकर इधर ट्रांसफर करना सीधी सी बात है आज शेयर खरीदने से नो डाउट मुझे इंटरेस्ट लगेगा पर डिविडेंड भी तो मिलेगा तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए तो अब मैं देखता हूं कितना रुपए लग रहा है फाइव ये पचास रुपए किस चीज का इंटरेस्ट का पर तीस रूपए डिविडेंड का तो मेरा कॉस्ट कितना पड़ रहा है सर फाइव टू जीरो इफेक्टिव कॉस्ट शेयर खरीदने का पांच सौ बीस पड़ रहा है जबकि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हैं तो कितने का पांच सौ सत्ताइस का मत करो कॉन्ट्रैक्ट कोई फायदा नहीं है क्यों सर एक्सपेक्टेड है ना बेटे मैं बोल रहा हूँ कि डिविडेंड मिलेगा पक्का पक्का एक साल बाद डिविडेंड मिलेगा तो आप जरा सोचो आज शेयर खरीदता हूं तो फाइव हंड्रेड लगेगा इंटरेस्ट भी लगेगा पर डिविडेंड बचेगा ना भाई तो आज शेयर खरीद दो आज शेयर खरीदने से मेरा जो इफेक्टिव कॉस्ट कितने का पड़ रहा है पांच सौ बीस का और ये कितने का हो रहा है सर ये हो रहा है फाइव ट्वेंटी सेवन का तो मैं स्टॉक एक्सचेंज से बोला स्टॉक एक्सचेंज मैंने खरीदता शेयर भाई फाइव ट्वेंटी सेवन में तो स्टॉक एक्सचेंज पूछ रहा आप बताओ ना कितने का तो मैं अब स्टॉक एक्सचेंज को कहानी सुना रहा हूं सुनना तो ध्यान से बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है इंपॉर्टेंट स्टोरी मैं स्टोरी सुनाऊन रहा हूं देखो स्टॉक एक्सचेंज मुझे शेयर का प्राइस आज का ऐसे भी देना है वैसे भी देना ठीक है बोले ठीक है बोले अब स्टॉक एक्सचेंज बोल है सुनो 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 राम अगर शेयर खरीदोगे तो आपको इंटरेस्ट लगेगा ना मेरी वजह से तो इंटरेस्ट बच रहा है मैंने कहा हाँ ना ठीक है ना चलो उसका भी पैसा ले लो आप, आप मेरा इंटरेस्ट सेव कर रहे हैं इंटरेस्ट सेव बोले ठीक लेकिन अगर मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं स्टॉक एक्सचेंज तो एक चीज मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्या चीज डिविडेंड फॉर डिविडेंड डिविडेंट फॉर गॉन ठीक है इट मींस सर मैं कितना दे सकता हूं मैं मैक्सिमम कितना दे सकता हूं मैं मैक्सिमम दे सकता हूं स्पॉट प्राइस जो इंटरेस्ट आप बचा रहे हो वो भी देने को मैं तैयार हूं पर डिविडेंड जो मैं जा रहा हूं वो तो मैं माइनस कर दूंगा क्योंकि आपकी वजह से डिविडेंड सैक्रीफाइस कर रहा है तो सर मतलब मैं मैक्सिमम कितना दे सकता हूं मैं मैक्सिमम दे सकता हूं पांच रुपए और आप कितना बोल रहे हैं 527 कोई मतलब नहीं है ये मेरे लिए महंगा है ओवर प्राइज अगर ये महंगा तो क्या मुझे फ्यूचर बाय करना चाहिए जरूरत है नहीं मत करो फ्यूचर बाय आज ही शेयर खरीदो हां अगर ये प्राइस ऐसा होता 517 होता 517 तो फिर मैं बोलता फ्यूचर इज अंडर प्राइस बाय फ्यूचर और अगर ये ज्यादा है तो फ्यूचर ओवर प्राइस है इससे कंपैरिजन करूंगा ना मैं इससे सर इसका नाम क्या है इसी का नाम है थियोरिटिकल फ्यूचर प्राइस बस सर कॉस्ट टू कैरी मॉडल क्यों बोलते हालांकि इसका बहुत सारा नाम है कैश टू कैरी मॉडल भी बोलते हैं कुछ लोग कॉस्ट टू कैरी मॉडल भी बोलते एक्चुअली जो देखो पहली बात आप शेयर खरीद रहे हो यस हाँ बोलो और इसको आपको कैरी करना पड़ेगा हाँ और तो इसको कैरी करने का कॉस्ट कितना है कॉस्ट सर 520 है हाँ वही तो हम निकाल रहे हैं कॉस्ट टू कैरी मॉडल इसी का नाम है कॉस्ट टू कैरी मॉडल शेयर खरीद के जो आप रखोगे और उसको जो कैरी करोगे उसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है फाइव टू जीरो इसी को आप क्या बोलते हैं थियोरिटिकल फ्यूचर प्राइस और सुनो फ्यूचर में ना ऐसा दस टाइप का मॉडल नहीं है बस एक ही मॉडल है कॉस्ट टू कैरी मॉडल बस वही करना आपको खत्म बात ठीक है तो पूरी पिक्चर का सारांश क्या निकला अभी तक सर पूरी पिक्चर का सार ये निकला कि हमें निकालना पड़ेगा एक फ्यूचर प्राइस थ्योरिटिकल और ये कौन सा एक्चुअल और इस इसको एक्चुअल नाम दे रहा हूं एक्चुअल जो स्टॉक एक्सचेंज में दिखाई दे रहा है और थ्योरिटिकल फ्यूचर प्राइस निकालने का जो फॉर्मूला है उसको बोलते हैं वो कौन सी मॉडल से निकाला जा रहा है कॉस्ट टू कैरी मॉडल और उसको निकालने का फॉर्मूला है स्पॉट प्राइस स्पॉट प्राइस मतलब आज का प्राइस आप उसको करंट मार्केट प्राइस भी बोल सकते स्पॉट प्राइस प्लस इंटरेस्ट सेवट इंटरेस्ट सेवट क्यों बता दिया मैंने आपको क्योंकि अगर मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जाता हूं तो मुझे शेयर के लिए ये जो पैसे हैं ये नहीं उठाना पड़ेगा उस पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा तो इसलिए इंटरेस्ट सेव पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जाने की वजह से डिविडेंड का सेक्रीफाइस तो डिविडेंड फॉर कॉन और फिर इसका जो निकालोगे इसका क्या नाम दोगे इसको नाम दोगे थियोरिटिकल फ्यूचर प्राइस और इसको कंपेरिजन करोगे किससे एक्चुअल फ्यूचर प्राइस अगर एक्चुअल ज्यादा है तो कोई मतलब नहीं है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने में फ्यूचर बाय करने में क्योंकि फ्यूचर इज ओवर अगर ये एक्चुअल वाला कम है तो फ्यूचर इज एंडरप्राइज हमें फ्यूचर खरीद लेना चाहिए ओके okay? सर yes. सर इस पर प्रैक्टिस होगी बहुत सारी प्रैक्टिस होगी चिंता ना करो बहुत प्रैक्टिस होने वाली है पर पहले जो बोला मैंने उसको एक बार समझ ले लिख ले लिखना तो है ही नहीं है आपको एक बार समझ लेते कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल कॉस्ट टू कैरी मॉडल बहुत नाम है इसके ठीक है सर क्या लिखा है जरा पढ़ते एज पर कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल थ्योरिटिकल फ्यूचर प्राइस याद रखना थ्योरिटिकल फ्यूचर प्राइस भी बोलते हैं इसको या फेयर वैल्यू ऑफ फ्यूचर भी बोलते फेयर वैल्यू मतलब जो आप निकाल रहे वैल्यू इस कैलकुलेटेड एज अंडर कैसे निकालोगे स्पॉट प्राइस मतलब करेंट मार्केट प्राइस इंटरेस्ट माइनस डिविडेंड फॉरकॉन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को बॉक्स में करना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ठीक है ठीक है सर इंपॉर्टेंट है कि सर निकाल लिया उसके बाद हम डिसाइड कैसे करेंगे अगर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस ज्यादा है किससे जो वैल्यू आप निकाल रहे हैं उससे तो हम क्या बोलेंगे फ्यूचर इज ओवर प्राइस्ड अगर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कम है तो फ्यूचर इज अंडर ठीक है जी यहाँ तक क्योंकि आपके जो स्टडी मटेरियल में उसमें बड़े सारे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा धीरे 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 करना पड़ेगा मैं बहुत ज्यादा स्पीड से नहीं करवा सकता मैं जानता हूं मैं एग्जाम ओरिएंटेड करवा रहा हूं पर मुझे स्पीड से नहीं करवा सकता आपको ध्यान से यहां देखना पड़ेगा एक एग्जाम्पल के लिए लिखा है सपोज वही वाला एग्जाम्पल स्पॉट प्राइस है 500 रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 परसेंट पीरियड है वन ईयर और एक्सपेक्टेड डिविडेंड है चालीस रुपए तो कैसे निकालोगे okay? तो सिंपल स्पॉट प्राइस उठ माइनस डिविडेंड फॉर फाइव हंड्रेड फिफ्टी माइनस फोर्टी फाइव वन जीरो एक बात और समझ लो ये पांच सौ तो पचास हम सीधा भी तो निकाल सकते हैं सर कैसे एस फाइव हंड्रेड और जो दस परसेंट निकाला वो किसका निकाला 500 का ही निकाला है तो क्यों ना हम इसको 1.10 कर दे और माइनस डिविडेंड 40 कर दे तो भी क्या आंसर 510 ही आएगा हा ना भाई बस मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं हम ऐसे अलग अलग क्यों करे हमको मालूम है ये जो पचास रुपए जो इंटरेस्ट निकल रहा है वो स्पॉट का ही तो दस परसेंट निकाल रहा है तो सीधा इसी का फ्यूचर वैल्यू कर देते ना फाइव हंड्रेड कब का है आज का प्राइस और उसमें दस परसेंट एड कर देते और चालीस रुपए आज का है कि एक साल बाद का एक साल बाद का मैं एज्यूम कर रहा हूं कि जो चालीस रुपए है ये एट द एंड ऑफ ईयर है एट द एंड ऑफ नहीं लिखा होगा तो लिख लेना तो चालीस रुपए एक साल बाद का तो वो मैं क्या निकाल रहा हूं मैं फ्यूचर प्राइस ही तो निकाल रहा हूं फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर वैल्यू बोलते हो आप इसी को फ्यूचर प्राइस कुछ नहीं है भाई कुछ नहीं ठीक है तो ये निकला क्या निकला फाइव वन जीरो सर फाइव वन जीरो निकला थ्योरिटिकल फ्यूचर प्राइस अगर एक्चुअल प्राइस चेंज कर लेना यहां थोड़ा सा चेंज कर साइव जीरो करवा देता हूँ मिस होगा अगर एक्चुअल 550, 550, तो yes. अगर एक्चुअल फ्यूचर फाइव जीरो कंपेरिजन को पांच सौ तो दस से पांच सौ पांच है अंडर प्राइज सिंस एक्चुअल फ्यूचर प्राइस इज लेस देन थ्योरिटिकल फ्यूचर इज अंडर प्राइज्ड ठीक ठीक है है जी सर अब हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है एग्जांपल्स की ठीक अभी तक सारी कहानी बस हमने थियोरिटिकल फ्यूचर प्राइस निकालना सीखा एफ इज इक्वल टू एस स्पॉट प्राइस प्लस इंटरेस्ट सेवट माइनस डिविडेंड फॉर कौन अल्टरनेटिव एस वन प्लस आर माइनस डी ये ज्यादा अच्छा लग रहा है एस वन प्लस आर माइनस डी ठीक तो चले अब चलो जी, तो कुछ बातें कर लेते हैं ज्यादा अच्छा है एग्जाम्पल के थ्रू एक एक एग्जाम्पल धीरे धीरे करेंगे जल्दबाजी मत करना दिक्कत होगी धीरे धीरे काम करें चलो देख रहा है आपको स्पॉट प्राइस कितना है फाइव हंड्रेड फेस वैल्यू कितना है हंड्रेड फेस वैल्यू हंड्रेड पीरियड कितना है सिक्स मंथ डिविडेंड रेट लिखा है दो चीजें एक है डिविडेंड रेट और एक है डिविडेंड येल्ट डिविडेंड रेट में डिविडेंड जो कैलकुलेट किया जाता है वो फेस वैल्यू पर किया जाता है। पर अगर डिविडेंड यील्ड शब्द होगा वो जो कैलकुलेट किया जाएगा वो मार्केट प्राइस पे किया जाएगा स्पॉट प्राइस स्पॉट प्राइस बोल सकता हूं या फिर किस पे किया जाएगा मार्केट प्राइस पे इतना आपको ध्यान में रखना है याद रखना ये इसमें इस चक्कर में फंस जाते हैं लोग डिविडेंड रेट दिया है तो क्या करना है डिविडन दिया तो क्या डिविडेंड so, रेट दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और आपको निकालना थियोरिटिकल फ्यूचर प्राइस निकाल सकते हैं क्या यस सर एग्जाम्पल है तो सीधा सीधा करूं एफ इज इक्वल टू एस वन प्लस आर माइनस स्पॉट प्राइस कितना है सर फाइव हंड्रेड पीरियड कितना है याद रखना पीरियड सिक्स मंथ है। पीरियड है सिक्स मंथ तो सर टेन परसेंट है कुछ नहीं लिखा कंपाउंडिंग एनुअली या कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग तो सिंपल। है एक साल का तो छह महीने का कितना पांच परसेंट तो सर वन पॉइंट जीरो फाइव माइनस डिविडेंड ट्वेंटी परसेंट डिविडेंड है तो ये डिविडेंड किसका निकाला जाए फाइव हंड्रेड का कि सौ रुपए का चेक करो क्या डिविडेंड रेट दिया हुआ है यस yes. जब भी डिविडेंड रेट दिया तो हमेशा फेस वैल्यू और फेस वैल्यू सौ तो डी इज इक्वल टू यहां लिख दो साइड में डी इज इक्वल टू रुपीज हंड्रेड इंटू ट्वेंटी परसेंट तो कितना आ गया सर ये भी छह महीने का निकालेंगे ऐसा थोड़ी ना होता है डिविडेंड कैसे छह महीने की कंपनी जो देती है डिविडेंड वो ऐसा थोड़ी दिन बोलती है कि आपके पास छह महीने के लिए शेयर थे तो चलो छह महीने का डिविडेंड ले लो नहीं आपके पास अगर एक दिन का भी शेयर है जिस दिन डिविडेंड दिया जाने वाला उस दिन आपको पूरे साल भर का नहीं मिलेगा ठीक है ठीक है अगर सर डिविडेंड रेट की जगह डिविडेंड यील्ड होता तो फिर हाँ वो पीरियोडिकल हो सकता है वो दो महीने का तीन महीने का यील्ड दिया वो मार्केट प्राइस पे कितना यील्ड कभी भी पर एनम बेसिस पे निकाला जाता है ठीक है जी तो यहाँ कितना माइनस हो, हो जाएगा सर ट्वेंटी माइनस हो जाएगा निकाल लेते 500 20. रुपीस ठीक।, ठीक है जी चले आगे सर ये एग्जाम्पल कॉपी में करना है कि बुक में बुक में भी कर सकते हैं छोटे छोटे एग्जाम्पल लिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कुछ एग्जाम्पल नंबर एटीन ध्यान से पढ़ते इसको स्पॉट प्राइस दिया है सिक्स मंथ और यहां देखना डिविडेंड येल्ड दे रखा है डिविडेंड अब कैसे करेंगे अब ध्यान से समझना मैं कैसे करवाना है जरा एफ इज इक्वल टू एस वन प्लस आर माइनस डी ठीक है ठीक है सर स्पॉट प्राइस कितना फाइव हंड्रेड कितना है छह महीने रेट है पांच तो वन पॉइंट जीरो फाइव सर डिविडेंड करना है डिविडेंड यील्ड डिविडेंड निकाल लेते हैं डिविडेंड इज इत दिया पांच परसेंट तो फाइव हंड्रेड का निकलेगा कि हंड्रेड का निकलेगा सर फाइव हंड्रेड का दिया तो मार्केट प्राइस का अगर रेट दिया होता तो फेस वैल्यू का तो सर फाइव हंड्रेड इंटू पांच परसेंट परिणाम भी शब्द साथ में दे रखा है तो सर फिर तो फिर छह महीने का और दिया तो आपको पीरियोडिकल करना ही पड़ेगा इंटू सिक्स बाय फाइव हंड्रेड इंटू फाइव परसेंट इंटू सिक्स बाय ट्वेल्व ट्वेल्व तो पॉइंट फाइव तो सर ये आ गया फाइव वन टू पॉइंट फाइव जीरो अभी सुनो 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 आगे मत बढ़ना अल्टरनेट अब ध्यान से समझना बैठे मेरी बात को मैं क्या कहने जा रहा हूं हालांकि ऐसे भी करो तो कोई दिक्कत नहीं पर अब यहाँ समझने वाली बात है समझने वाली बात यह है क्योंकि ये जो दस परसेंट है ये भी पांच सौ का ही निकलना है और ये जो पांच परसेंट है ये भी फाइव हंड्रेड का ही निकलना है दोनों फाइव हंड्रेड का ही निकलना है एक में आपको दस परसेंट प्लस करना है एक में माइनस करना देखो एक फॉर्मूला देखो अच्छे से देखो उन्होंने क्या बताया उन्होंने कहा एफ इज इक्वल टू एस ठीक है। वन प्लस आर माइनस उसको मल्टीप्लाई कर दिया टाइम्स ये कैसा वाला फॉर्मूला अजीब सा फॉर्मूला नहीं लग रहा बेटी लग रहा है ना अब ज्यादा ये ब्रैकेट खोलने और बंद करने में मत जाना कि सर आपने ये गलती की आप कॉन्सेप्ट समझना क्या है आर कितना है सर फाइव हंड्रेड ठीक है वन प्लस आर कितना है आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट सर दस परसेंट है तो दस को मैं क्या जीरो पॉइंट वन जीरो लिख सकता हूं ठीक है दस परसेंट और ये क्या है डिविडेंड पांच परसेंट ये माइनस करना है तो माइनस पॉइंट जीरो फाइव लिख सकता हूं क्या हाँ सर लिख सकते हो टाइम कितना है छह महीने इंटू सिक्स बाई ट्वेल्व कर सकते हैं क्या यस और ये ब्रैकेट मैंने बंद किया तो हंड्रेड इंटू पांच दस में से पाँच गया पांच तो पॉइंट जीरो फाइव इंटू सिक्स बाइ ट्वेल्व पॉइंट जीरो टू फाइव प्लस वन सर ये वन पॉइंट जीरो टू फाइव आ गया सी था यस सर इंटू फाइव हंड्रेड तो कितना गया रुपीज फाइव वन टू पॉइंट फाइव जीरो ये तब कर सकते हैं जब डिविडेंड दिया है अगर डिविडेंड रेट दिया है तो आप नहीं कर सकते ठीक है जी क्या बात समझ में आ गई ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं अब आपकी मर्जी असर ऐसे करना जरूरी है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे करना जरूरी नहीं है लेकिन कभी कभी जब क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे किया करूंगा तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ऐसे क्यों किया करके कोई फर्क नहीं पड़ता भाई आर भी आप स्पॉट का ही निकाल रहे हो यील्ड भी आप स्पॉट का ही निकाल रहे हो तो सीधा सीधा आप अलग अलग क्यों कर रहे हो सीधा करो ना यार ज्यादा अच्छा ठीक है ठीक है सर चले आगे चलो चलते हैं इसे नोट कर लो भाई क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जाम्पल नंबर नाइनटीन एग्जाम्पल नंबर नाइनटीन स्पॉट प्राइस है फाइव हंड्रेड ठीक है पीरियड कितना है सिक्स मंथ इसमें भी कोई दिक्कत नहीं डिविडेंड ये दिया है इंपॉर्टेंट है कंपाउंडेड एनुअली शब्द हुआ है कंपाउंडेड annually शब्द आएगा तो पावर वाला फ्लेवर आपके पास होना चाहिए पावर मतलब सर मतलब सीधी सी बात है मैं लिख रहा हूं एफ कोई दिक्कत एच ठीक है अब यहां दिक्कत है वन पॉइंट वन फॉर्मूला कैसे लगाओगे सर यहां तो वन पॉइंट कोई दिक्कत नहीं आप ऐसे कर सकते वन पॉइंट वन टू या फिर सीधा करते ना वन प्लस करते ना वन प्लस ठीक है यहां तक और यहां ब्रैकेट लगा के लिखेंगे आर ये बड़ा वाला ब्रैकेट हो गया आर माइनस वाई और यहां जो लिख रहे थे ना आप कहा गए यहाँ यहां सिक्स बाय ट्वेल्व ऐसे था इसकी जगह आ जाएगा पावर पावर कितना जाएगा सिक्स बाय ट्वेल्व पावर में आ जाएगा सिक्स बाई ट्वेल्व और फिर ये ब्रैकेट बंद कर देंगे अब देखते हैं एफ इज इक्वल एफ इज मतलब यहां टाइम हो गया टाइम पावर में टाइम आ जाएगा ठीक है एस का मतलब एस का मतलब फाइव हंड्रेड वन प्लस आर कितना है बारह परसेंट और डिविडेंड है चार परसेंट सिक्स बाय ट्वेल्व यहां नहीं होना चाहिए बाहर होना चाहिए बिल्कुल सही तो ये गलत है क्या ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है थोड़ा सा ये यहां होना चाहिए ना यार ये तो गलत हो गया ये होना चाहिए था पावर में सिक्स बाय ट्वेल्व बाहर होना चाहिए था ठीक मैटर तो यहाँ पावर में हो जाएगा सिक्स बाय ट्वेल्व बारह में से चार गया तो बचा कितना आठ तो मैं क्या कहना चाहता हूं वन पॉइंट जीरो एट लगाएंगे वन पॉइंट जीरो एट लेकिन पावर में क्या कर देंगे सिक्स बाय ट्वेल्व कर देंगे बस इतना अगर ऐसा नहीं होता अल्टीमेटली मैं ये दोनों माइनस ही कर रहा हूं पहले भी ये दोनों माइनस ही कर रहा था दस में से पांच गया पांच और छह महीने का ढाई पहले भी वही कर रहा था छह महीने का ढाई परसेंट आ गया था यहां भी वही कर रहा हूं बारह में से चार गए आठ दिख रहा है और छह महीने का आठ का आधा चार वैसे हो जाता लेकिन शब्द दिया है कंपाउंडेड एनुअली इसलिए मुझे इंटू सिक्स बाय ट्वेल्व ना करके पावर में सिक्स बाय ट्वेल्व करना पड़ा ठीक है फाइव हंड्रेड इंटू वन पॉइंट जीरो एट कितने बार स्क्वायर एक बार स्क्वायर रूट कर दो तो सर ये आ गया वन पॉइंट जीरो थ्री नाइन टू तो वन पॉइंट जीरो थ्री नाइन टू इंटू फाइव हंड्रेड सर ये आ गया रुपीज फाइव वन नाइन पॉइंट सिक्स जीरो तो पिछले एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में अंतर क्या था बस एक ही अंतर था कौन सा वाला कौन सा वाला क्या अंतर आया था सिर्फ एक ही यहां कंपाउंडेड एनुअली शब्द दिया था अगर ये शब्द नहीं दिया होता तो फिर नॉर्मल क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी सर ये क्वेश्चन ये एग्जाम्पल आपका है क्या ये एग्जाम्पल मेरा नहीं है ये एग्जाम्पल है स्टडी मटेरियल ठीक यहां भी देखो वैल्यू ऑफ इंडेक्स दे रखा ठीक है इंडेक्स हो वैसे इंडेक्स में जनरली कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का ही यूज होता है नाइनटी परसेंट क्वेश्चन में दस परसेंट क्यों बोला क्योंकि इंस्टीट्यूट ने गलत कर रखा है कभी भी इंडेक्स हो इंडेक्स तो आपको कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग यूज करना चाहिए पर मेरे हिसाब से मत चलना जो बोल रहा है वो करेंगे ठीक है तो यहाँ जैसे अब करंट वैल्यू जैसे शेयर का करंट प्राइस दिया रहता है ना स्पॉट प्राइस वैसे इंडेक्स का दिया है कोई फर्क नहीं पड़ता चौदह सौ रुपए डिविडेंड ये दिया सिक्स परसेंट पर एनम ही मान के डिविडेंड यूल्ड दिया तो पीरियोडिकल ही करना पड़ेगा हमको और सर ये सी सी आर आर आई क्या है कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग याद है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग रिक्वायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग सर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग यूज करना है यस और सर डिविडेंड यील्ड अगर ये कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग है तो ये भी कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग माना जाएगा अगर ये कंपाउंडेड एनुअली है तो इसको भी आपको कंपाउंडेड एनुअली लेना पड़ेगा ठीक है आपको क्या निकालना है वैल्यू ऑफ थ्री मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब फॉरवर्ड या फ्यूचर एक ही बात अब ये कैसे बनेगा एफ एस इंटू वन प्लस नहीं या तो ई e चलता ई पावर आर माइनस वाय ये ज्यादा अच्छा है वो वाला थोड़ा मुश्किल था कौन सा कंपाउंडेड एनुअली वाला थोड़ा सा गलत हो गया था लिखने में तो सर फोर्टीन हंड्रेड इंटू कितना है पॉइंट वन जीरो माइनस पॉइंट जीरो सिक्स और टाइम कितना है थ्री मंथ बाई टोर्टीन हंड्रेड इंटू ए पॉइंट वन माइनस पॉइंट जीरो सिक्स इंटू थ्री बाई ट्वेल्व पॉइंट जीरो वन इसका वैल्यू दिया नहीं है हमको निकालना आता है क्या ये पॉइंट जीरो वन डिवाइडेड बाय फोर जीरो नाइन सिक्स प्लस वन एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह सर ये आ गया वन पॉइंट जीरो वन डबल जीरो फाइव तो फोर्टीन हंड्रेड इंटू वन पॉइंट जीरो वन डबल जीरो फाइव तो आंसर आ गया रुपीस रुपीस में तो नहीं दिया है तो सर रुपीस क्यों लिख रहे हैं आप चलो बात सही है कर लेना कैलकुलेशन में बता दू वन फोर वन फोर पॉइंट जीरो सेवन के आसपास रहा आप देख लीजिएगा वन फोर वन पॉइंट जीरो सेवन ठीक है ठीक है ठीक है जी क्वेश्चन कहां से था क्वेश्चन था स्टडी से चले आगे ये भी देख लेते एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी वन वैसे तो अब आपको बनाना चाहिए ये भी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन क्या दिया कंसीडर थ्री मंथ थ्री मंथ मैच्योरिटी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन लो भाई नॉन डिविडेंड पेइंग स्टॉक डिविडेंड पेइंग स्टॉक नहीं है नॉन डिविडेंड ही पे नहीं कर रहा है तो चलो वो जो माइनस वाला पार्ट है ना वो तो हट गया तो स्टॉक इज अवेलेबल फॉर 200 ये ऐस हो गए आज का प्राइस विथ कंपाउंडेड कंटिन्यूसली लेना कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग और रे, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा ठीक है कंपाउंडेड कंटिन्यूसली रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट रिस्क फ्री कितना दे रखा टेन परसेंट पा रहे ना व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सर ये तो बड़ा सिंपल हो गया एफ इज इक्वल टू एस ठीक ई पावर आर माइनस वाई तो होगा नहीं टी तो सर एफ इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस कितना है टू हंड्रेड ई रेट कितना है टू हंड्रेड इंटू ए पॉइंट जीरो टू फाइव होगा शायद इंटू वैल्यू निकाल लेते डिवाइडेड बाय फोर जीरो नाइन सिक्स प्लस वन एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो सर ये आ गया वन पॉइंट जीरो टू फाइव थ्री वन पॉइंट जीरो टू फाइव थ्री इंटू टू हंड्रेड तो सर ये आ गया टू जीरो फाइव पॉइंट जीरो सिक्स ठीक है तो कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग वाला भी हो गया एग्जाम्पल ओहो अभी तो कुछ खेल बाकी है इसमें इसके बाद दो एग्जाम्पल से और मुझे अच्छे से करवाना होगा ठीक है ठीक है करे दो एग्जाम्पल या कुछ बातों को बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से सुनोगे तभी काम होगा बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा मैं जो बोलने जा रहा हूं और चाहो तो कॉपी में लिख लेना काम आएगा सपोज स्पॉट प्राइस रुपीज फाइव हंड्रेड Period six months rate of interest. बारह परसेंट पर डिविडेंड एट द एंड ऑफ सिक्स मंथ रुपीज इलेवन कैलकुलेट थियोरिटिकल फ्यूचर प्राइस सर ये टाइम पास नहीं हो गया मतलब सर आप कर क्या रहे ये तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं ऑलरेडी आपने ये कर लिया है पर मैं क्या करवाने जा रहा हूं बस ठीक से सुनना मेरी बात को जनरली हम कैसे करते क्वेश्चन तर करते वन प्लस आर क्योंकि यहां डिविडेंड यील्ड शब्द नहीं लिखा है इसलिए हम माइनस डी करते इसमें कोई शक नहीं है आपको आता अच्छे से तो सर फाइव हंड्रेड बारह परसेंट तो 6 महीने का कितना होगा 6 जीरो सिक्स माइनस डिविडेंड कितना इलेवन सीधा ऐसे कर लो ना सर ज्यादा अच्छा तो सर आंसर आ जाएगा फाइव हंड्रेड इंटू वन पॉइंट जीरो सिक्स माइनस इलेवन आगे रुपीस फाइव वन दिक्कत यहां अब ध्यान से समझना और एक अल्टरनेटिव है इसको करने का क्यों जरूरत पड़ रही है आने वाले एग्जाम्पल्स के लिए ठीक है अगर आने वाले एग्जाम्पल्स या आने वाले क्वेश्चन में ऐसी समस्याएं ना होती ना तो बात खत्म हो जाती एक्चुअली वो भी बात समझ लो जो मैं कहना चाहता हूं अब सुनना ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूं यह है आज इसको मैं बोल रहा हूं स्पॉट प्राइस और आज का प्राइस कितना है फाइव हंड्रेड ठीक है डिविडेंड मिलेगा छह महीने बाद डिविडेंड और कितना रुपीस इलेवन आप अभी क्या कर रहे हैं सर अभी हम इसको पहुंचा रहे हैं फ्यूचर में फ्यूचर वैल्यू हम 500 हंड्रेड इंटू कर देते हैं वन पॉइंट जीरो सिक्स तो ये सर हो जाता है टोटल मिलाकर फाइव हंड्रेड इंटू वन पॉइंट जीरो तो सर ये हो जाता फाइव थ्री जीरो और इसमें से इसको क्या कर देते हैं लेस तो सर ये आ जाता फाइव वन यही तो काम कर रहे हैं आप ठीक है इट मीन्स ये वैल्यू क्या ऑलरेडी फ्यूचर में है यस yes, और ये वैल्यू कब है प्रेजेंट तो इसको हम फ्यूचर में ले जाकर ये वैल्यू दोनों अब एक एक समय का वैल्यू होगा दोनों को माइनस कर देते हैं अब सुनो और एक अल्टरनेटिव तरीका है मैं क्या कहना चाहता हूं सुना ये है फाइव हंड्रेड और ये है इलेवन डिविडेंड कब का ये सिक्स मंथ का क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग हम डिविडेंड को यहां ले जाए इट मींस हम निकाले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड ऐसा क्यों कर रहे बाद में समझ में आएगा मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं इस ग्यारह रुपए का मैं प्रेजेंट वैल्यू इसको यहां ना ले जाकर इसको यहां ले आऊं दिक्कत क्या है और सर कैसे लाओगे इलेवन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट जीरो फाइव ठीक है सर इलेवन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट जीरो फाइव तो सर ये आ गया टेन पॉइंट फोर सेवन सिक्स ठीक है और डिविडेंड वैसे भी हमको माइनस करना ऐसे भी माइनस करना अब मैं क्या करूंगा अब मैं फाइव हंड्रेड माइनस टेन पॉइंट फोर सिक्स फोर सेवन सिक्स माइनस करूंगा फाइव हंड्रेड माइनस टेन पॉइंट तो बोलो क्या आ गया फाइव हंड्रेड माइनस टेन पॉइंट फोर सेवन सिक्स तो सर ये आ गया फोर एटी नाइन पॉइंट फाइव टू फोर ये वैल्यू कब की है सर ये वैल्यू आज की है और डिविडेंड ग्यारह था उसका भी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया तो सर ये वैल्यू तो आज की हुई ना हमें तो फ्यूचर की वैल्यू निकालना है तो चलो ना अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं वन पॉइंट जीरो फाइव तो फोर एटी नाइन पॉइंट फाइव टू फोर इंटू वन पॉइंट जीरो फाइव तो सर ये आ गया टोटल मिलाकर सॉरी गलत हो गया फाइव हंड्रेड माइनस टेन पॉइंट नहीं वन पॉइंट होना था बारह परसेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड जब निकालोगे ना ग्यारह डिवाइडेड बाई वन पॉइंट जीरो सिक्स करोगे ग्यारह डिवाइडेड बाई वन पॉइंट जीरो सिक्स तो सर ये आ गया टेन पॉइंट थ्री सेवन सेवन थ्री सेवन सेवन यहां से माइनस होगा 10.377 तो बोलो ये कितना बचेगा 500 हंड्रेड माइनस टेन पॉइंट थ्री सेवन सेवन तो सर ये आ गया एटी नाइन पॉइंट सिक्स टू थ्री और इसका फ्यूचर वैल्यू निकालना तो इंटू वन पॉइंट जीरो सिक्स इंटू वन पॉइंट जीरो सिक्स आंसर आएगा फाइव वन नाइन ठीक है यहां मुझसे गलती हो गई थी यहां छे परसेंट से डिस्काउंटिंग करना है आप भी कौन सोचोगे पांच परसेंट की से आ गया करके ठीक है तो सर क्या आंसर मैच हो गए आंसर तो मैच होना ही था टाइम पास हो रहा है ग्यारह का पहले आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाला है छह परसेंट और फिर माइनस करने के बाद जो बच्चा उसको बात तो एक ही है ना यार हाँ सर

आप समझा दोगे तो ज्यादा अच्छा सर हमने लिखा नहीं तो कोई बात नहीं मैं लिख रहा हूं ना आपको डायग्राम के साथ लिख रहा हूं फाइव हंड्रेड और ग्यारह डिविडेंड और ये पीरियड कितना है सिक्स पहला होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड रूपी इलेवन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट जीरो सिक्स तो सर ये आ गया टेन पॉइंट थ्री सेवन सेवन अब फॉर्मूला लिख रहा हूं एफ इज इक्वल टू एस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड और इसका डिवाइडेड बाय इंटू वन प्लस आर स्पॉट प्राइस कितना है फाइव हंड्रेड माइनस टेन पॉइंट थ्री सेवन सेवन इंटू वन पॉइंट जीरो सिक्स सर ये आ गया रुपीज फाइव ठीक है ये सब तरीके आपको ना याद रखना पड़ेगा हालांकि मेन यही है मेन ये ही है। ही है। और ये भी ऐसा काम आएगा आपको हम क्या कर रहे हैं हम क्या सीख रहे है क्या चल रहा है हम सीख रहे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ थियोरिटिकल फ्यूचर प्राइस निकालना अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट को लेकर ठीक है तो चले मैं एक एग्जाम्पल के लिए रुक गया था ये क्वेश्चन पढ़ ले एक बार यस सपोज दैट पढ़े क्वेश्चन को सपोज दैट देयर इज ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन शेयर प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट रूपीज थाउज मतलब सर स्पॉट प्राइस दिया हुआ है कितना रूपीज थाउज ठीक लाइफ ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज नाइन्टी डेज डूरिंग दिस टाइम द कंपनी विल पे डिविडेंड ऑफ रुपीज ये देखो काम की चीज बोले सात रूपए पचास पैसे पे होगा थर्टी डेज में दिख रहा आपको थर्टी डेज में कितना पे होने वाला है सात रूपए पचास पैसे सिक्सटी डेज के एंड में आठ रुपए पचास पैसे और नौ रुपए नाइन्टी डेज में समस्या सुनना ध्यान से यहां ये है थर्टी डेज और ये है सिक्सटी डेज और ये है यहां डिविडेंड कितना है सात रुपए पचास पैसे यहां डिविडेंड कितना है आठ रुपए पचास पैसे और यहां डिविडेंड कितना है ठीक है और साथ में यहां का स्पॉट प्राइस कितना दिया स्पॉट प्राइस सर स्पॉट प्राइस दिया एक हजार ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बारह परसेंट तो हम कैसे कर सकते थे क्वेश्चन को सुनना ध्यान से अभी तक क्या हो रहा था अभी तक जितने भी एग्जाम्पल थे बीच का डिविडेंड नहीं था सीधा लास्ट में नौ रुपए मिलता था तो इसी को एक हजार को सीधा हम यहां पहुंचा देते थे यहां और ये वाला नौ माइनस कर देते थे पर समस्या क्या है यहां तो यहां भी डिविडेंड है यहां भी डिविडेंड है तो अब मैं एक बात बताऊं करना क्या पड़ेगा अगर मैं कहूं मुझे इसको यहां पहुंचाना पड़ेगा और इसको भी यहां पहुंचाना पड़ेगा और फिर यह जाएगा डिविडेंड और फिर इसको भी यहां पहुंचाना पड़ेगा और फिर इसमें से यहां जो शेयर का प्राइस आएगा उसमें से ये सारा के सारा डिविडेंड क्या करना पड़ेगा माइनस ठीक एक ये तरीका दूसरा तरीका क्या इट मींस क्या मैं सभी का फ्यूचर वैल्यू निकाल रहा हूं सभी का फ्यूचर दूसरा तरीका है सर इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालो इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालो इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालो और यहां जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो हजार में से माइनस कर दो और फिर जो बचेगा उसका सीधा किसी सीधा एक ही बार फ्यूचर वैल्यू निकाल लो डिपेंड करता है कि डेटा कौन सा दे रखा है प्रेजेंट वैल्यू का डेटा दे रखा है कि फ्यूचर वैल्यू का डेटा दे रखा है उस हिसाब से हम काम करेंगे ठीक है ठीक है वैसे तो ज्यादा अच्छा क्या है मालूम है हर एक का अलग अलग फ्यूचर वैल्यू निकालने की अपेक्षा सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालो माइनस करो और सीधा ये सब ये जरूरी कब हो जाता है करना जब दो तीन प्राइस दिया रहता दो तीन डिविडेंड दिया हुआ है तब की बात है देख लेते हैं एज्यूम दैट कंप एज्यूम दैट द कंपाउंडेड कंटिन्यूसली रिस्क फ्री रेट इंटरेस्ट सी सी आर आर आई कितना देर का ट्वेल्व परसेंट पर है यू आर रिक्वायर टू फाइंड आउट बारह परसेंट है तो ये तो एक माह का यहाँ कितना परसेंट आएगा एक परसेंट यहाँ कितना परसेंट लेना पड़ेगा दो परसेंट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना तो एक परसेंट और यहाँ दो परसेंट और यहां से अगर डिस्काउंटिंग करना है तो तीन परसेंट अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना अगर फ्यूचर वैल्यू निकालना तो यहां जो डिविडेंड मिलेगा उसको एक दो ऐसे आगे बढ़ाना पड़ेगा इसको भी ऐसे आगे बढ़ाना पड़ेगा अब डिपेंड करता है कि डेटा कौन सा दे रखा है आपको सबसे पहले निकालना फेयर वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इफ नो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एक्सिट मतलब क्या बोल रहा है सर ये बताओ ये इफ नो आर्बिट्रेज मतलब भाई वो कह रहे हैं मेरी बात समझ समझना मैं क्या बोलने जा रहा हूं आप जो निकालते हो होल एफ मान लो आ गए पांच मन से बोल रहा हूं पांच और जो एक्चुअल एफ निकाल रहे हो एक्चुअल एफ अगर वो कुछ और रहा 540 रहा तो आर्बिट्रेज हो जाएगा वो आर्बिट्रेज में आगे समझाऊंगा हु? सर कैसे होगा आर्बिट्रेज वो मैं समझाऊंगा ना कैसे आर्बिट्रेज होगा ठीक है अच्छा सर और सर अगर ये दस रहा तो भी आर्बिट्रेज हो जाएगा तो भी आर्बिट यही तो मैं समझाने वाला हूं अब आगे यही समझाने वाला हूं बड़ा मस्त है, इतना मजा आएगा आर्बिट्रेज में सर अगर ये मतलब ये पांच सौ बारह रहा तब आर्बिट्रेज नहीं होगा इट मींस कि जो थ्योरिटिकल प्राइस है अगर वो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस के बराबर होगा तो आर्बिट्रेज पॉसिबल नहीं है तो वही यही कह रहा है कि आप थ्योरिटिकल प्राइस निकालिए भाई और प्राइस ऐसे निकालिए नो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट मतलब आपको थ्योरिटिकल और एक्चुअल फेयर वैल्यू निकालना बस बात करता ठीक है पॉइंट नंबर टू बोला वैल्यू ऑफ कॉस्ट टू कैरी तो मैं समझा दूंगा पॉइंट नंबर टू का दिक्कत अब देखो क्या दिया है गिवन एक का माइनस दिया माइनस माइनस का मतलब समझते हो सर माइनस का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फैक्टर हाँ मैंने कहा समझाया बीएसएम में समझाया मतलब सर ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखा है वैसे फ्यूचर वैल्यू फैक्टर क्या होता है यहां माइनस में दे रखा मतलब सर पॉइंट नाइन जीरो नाइन होता पर कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग है इसलिए पॉइंट नाइन नाइन जीरो फाइव दिया मतलब सर इसको अगर हम पॉइंट नाइन नाइन जीरो फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां का वैल्यू हो जाएगा माइनस पॉइंट जीरो टू का कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग का फैक्टर दे रखा प्रेजेंट वैल्यू वाला पॉइंट नाइन एट जीरो टू मतलब सर इसको अगर हम पॉइंट नाइन एट जीरो टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यहां का वैल्यू हो जाएगा जी हाँ जी हाँ और सर ये भी दे रखा ये माइनस पॉइंट जीरो थ्री दे रखा मतलब मतलब वही है इसको प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो यहां जाएगा तो इट मीन्स ये क्वेश्चन बना ही इसलिए है कि आपको डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू निकालना और माइनस करने के बाद जो आएगा उसका फ्यूचर वैल्यू निकालना मतलब हमें चाहिए ई वन पॉइंट जीरो वो भी दे रखा उसने ई जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो पॉइंट जीरो थ्री माइनस नहीं दिया मतलब अब बोले फ्यूचर वैल्यू निकाल लो तो उसके लिए भी फैक्टर दे रखा सर इसका मतलब है जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके हिसाब से हमें पहले डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहिए बिल्कुल सही और उसके बाद सीधा फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहिए अल्टरनेटिव में ऐसे भी जा सकता था पर उसका डेटा नहीं दिया है तो करेंगे हम ठीक है सर तो अगले पेज में करते हैं यहां जगह नहीं पहला पहला काम करते हैं और पहला मांगा फेयर वैल्यू ऑफ फ्यूचर फेयर वैल्यू ऑफ फ्यूचर सबसे पहले निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड उसके बिना काम नहीं चलेगा पहली बार डिविडेंड कितना मिल रहा थर्ड डिविडेंड में सात रुपए पचास पैसे इंटू दिस नाइन नाइन जीरो फाइव इन नाइन जीरो फाइव प्लस दूसरी बार डिविडेंड कितना मिल रहा है सर दूसरी बार डिविडेंड कितना मिल रहा है आठ रुपए पचास पैसे इंटू नाइन एट जीरो टू नाइन एट जीरो टू प्लस नौ रुपए इंटू नाइन सेवन जीरो फोर फाइव नाइन सेवन जीरो फोर फाइव बस पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ निकाल डिबिड सेवन पॉइंट फाइव जीरो इन पॉइंट नाइन नाइन जीरो फाइव एम प्लस एट पॉइंट फाइव जीरो इन पॉइंट नाइन एट जीरो टू एम प्लस नौ इंटू पॉइंट नाइन सेवन जीरो फोर फाइव एम प्लस एम आर सी तो सर यह आ गया रुपीज ट्वेंटी फोर पॉइंट फोर नाइन ठीक है आप क्या निकाल लेते एफ एफ सर एफ इज इक्वल टू एस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिडेंड ई पावर ये तो मतलब एस मतलब कितना एस का प्राइस देखो एक हजार तो सर एक हजार माइनस ट्वेंटी फोर पॉइंट फोर नाइन ई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बारह परसेंट थ्री बाई ट्वेल्व थ्री बाय ट्वेल्व नहीं नाइन बाई ट्वेल्व थ्री बाय ट्वेल्व ही तो होगा नब्बे दिन का थ्री बाई था माइनस ट्वेंटी फोर नाइन सर यह आ गया नाइन सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव वन ई पॉइंट जीरो थ्री इसका वैल्यू दिया हुआ है नाइन सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव वन इंटू वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.03045 1.03045 975.51 थ्री जीरो सर so, ये आ गया वन डबल जीरो फाइव पॉइंट टू वन ठीक है ये क्या आया ये आया फेयर वैल्यू फ्यूचर और क्या मांगा पॉइंट नंबर टू वैल्यू ऑफ कॉस्ट टू कैरी कॉस्ट टू कैरी अगर मेरी बात समझना ठीक से फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हुआ स्पॉट वैल्यू प्लस कॉस्ट टू कैरी सर ये क्या मैं वही तो आपसे बोल रहा हूं कि अगर मैं किसी स्टॉक को कैरी करता हूं तो उसका कॉस्ट क्या पड़ रहा सर इंटरेस्ट हालांकि अगर डिविडेंड मिला तो उसको सेक्रि... वो उसको माइनस करने के बाद जो है वही हमारा मतलब वो हमारा फायदा है तो उसको चलो माइनस कर देते तो भी इंटरेस्ट ही तो मेरा कॉस्ट टू कैरी है वो आपसे पूछ क्या रहा है वो पूछ रहा है कि बताइए वैल्यू ऑफ कॉस्ट टू कैरी क्या होगा कॉस्ट टू कैरी आराम से कॉस्ट टू कैरी का मतलब इंटरेस्ट माइनस डिविडेंड एक्चुअल में कॉस्ट टू कैरी का मतलब इंटरेस्ट ही होता है पर डिविडेंड एक टाइप का फायदा हो गया तो इसलिए उसको हमने माइनस करती है तो वो हो, है एक्चुअल में नेट कॉस्ट ऑफ कैरी बोलना चाहिए इसको नेट कॉस्ट ऑफ कैरी पर ठीक है एफएम को मालूम है क्या एफएम को मालूम है एफ हमने ये वाला ले लिया लिख लेते हैं वाइन नंबर कौन सा निकाल रहे हैं हम 2 लिख लेते हैं कैलकुलेशन कॉस्ट टू कैरी एफ इज इक्वल टू एस प्लस कॉस्ट टू कैरी एफ निकाला है थाउजेंड फाइव पॉइंट टू वन इक्वल टू एस कितना है प्लस एक्स कॉस्ट टू कैरी सर मतलब सीधा बोलो ना डिफरेंस टू कैरी इज इक्वल टू फाइव पॉइंट ठीक है ठीक है बात समझ में आ गई एक एग्जांपल और है और ये भी आपके स्टडी मटेरियल का एग्जांपल एग्जांपल नंबर कौन सा ट्वेंटी थ्री ये ज्यादा ही है देखो कंसीडर फोर मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर फोर याद रखना फोर मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है लाइन ड्रॉ कर लो ये है जीरो और फोर मंथ शेयर कितना है बोले फाइव हंड्रेड शेयर ठीक है बाद में देख लेंगे फाइव हंड्रेड शेयर लिखा हर एक शेयर का प्राइस कितना है सेवेंटी फाइव तो यहाँ स्पॉट प्राइस हो गया सेवेंटी डिविडेंड दो रुपए पचास पैसे कब लास्ट में क्या नहीं ये मिलेगा आपको थ्री मंथ ये एक समस्या डिविडेंड साहब यहां है ये थ्री मंथ और डिविडेंड कितना है डिविडेंड है रुपीस दो तो रुपए पचास और कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग का कितना दे रखा दस परसेंट बताइए वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाद में हम इनटू 500 कर देंगे वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मांग रहा है तो बाद में हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू ऑफ सवाल ये है इसको प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आए कि इसको सीधा एक महीने बढ़ा दे आपकी मर्जी आपको जैसे करना कैसे करना चाहते हैं ऐसे ही कर लेते हैं। अगर बीच में कोई चीज है ना यार एक ही हम रूल्स मांगते हैं अगर लास्ट का तो सीधा माइनस पर बीच में तो उसको हम यहां लेकर आते हैं प्रेजेंट वैल्यू और फिर माइनस करने के बाद फ्यूचर वैल्यू निकाल लेते टेंशन खत्म हो जाएगा ठीक है जी ठीक है तो। पहला काम करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड रुपये पचास पैसे डिवाइडेड जीरो पॉइंट वन जीरो इन टू तीन महीने थ्री बाई ट्वेल्व दो रुपये पचास पैसे इंटू जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव तो दो रुपये पचास पैसे डिवाइडेड बाय पॉइंट जीरो टू फाइव पॉइंट जीरो टू फाइव डिवाइडेड बाय जीरो नाइन सिक्स प्लस वन दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो ये आ गए थ्री वन टू पॉइंट फाइव जीरो डिवाइडेड बाय वन पॉइंट जीरो टू फाइव थ्री वन सर ये आ गए टू पॉइंट फोर थ्री एट ठीक अब सीधा निकालते F इज इक्वल टू एस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूर e पावर आर टी स्पॉट प्राइस कितना सेवेंटी फाइव टू पॉइंट फोर थ्री एट ई पॉइंट वन जीरो चार में नहीं बढ़ाना पड़ेगा फोर बाय ट्वेल्व ठीक है तो फाइव माइनस टू पॉइंट फोर थ्री एट तो सर सेवेंटी टू पॉइंट फाइव सिक्स टू इंटू पॉइंट वन इंटू फोर ट्वेल्व पावर जीरो पॉइंट जीरो थ्री थ्री सेवेंटी टू पॉइंट फाइव सिक्स प्लस वन एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह सर इंटू वन पॉइंट जीरो थ्री थ्री फाइव सेवेंटी टू पॉइंट फाइव सिक्स टू इंटू वन पॉइंट जीरो थ्री थ्री फाइव तो सर ये आ गया सेवेंटी फोर पॉइंट नाइन नाइन लगभग सेवेंटी फाइव रुपीज ही आ गए फिर से देख लो क्या माइनस ही होना ना सेवेंटी फाइव से यस सेवेंटी फाइव माइनस टू पॉइंट फोर थ्री एट कोई बात नहीं सेवेंटी फोर पॉइंट नाइन नाइन ले लेते ठीक है तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन क्या मांगा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिख लेते हैं पांच सौ से मल्टीप्लाई कर देते वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड इंटू सेवेंटी फोर पॉइंट नाइन फाइव हंड्रेड रुपीस थ्री सेवन फोर नाइन सिक्स अप्रोक्स फोर नाइन सेवन ले लो ठीक है अप्रोक्स चलेगा अपने का अगर फोर्टी थाउजेंड भी आता है तो कोई गुना नहीं है भाई सॉरी थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड भी आता तो कोई गुना तो ये थे एग्जाम्पल किसके थियोरिटिकल फ्यूचर प्राइस कैसे निकाला जाता है उसके और अब हमको काम की चीजें करनी और हमको करना आर्बिट्रेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सुनना ध्यान से सुनना पहले सुन लो अच्छे से समझ लो क्योंकि कुछ शब्द आएंगे उन शब्दों की तैयारी में ब्रेक से पहले करवा दू है ब्रेक से पहले टारगेट क्या है कि कुछ शब्द आ सकते हैं तो कम से कम आपको पता तो होना चाहिए एक होता स्पॉट प्राइस एक होता है फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस फ्यूचर प्राइस फ्यूचर स्पॉट का मतलब आज का फ्यूचर का मतलब बाद का क्या हमेशा पहला क्वेश्चन कहां लगने वाला वो बाद की बात है ठीक है बाद में समझेंगे कि कहां लगने वाला है क्या लगने वाला है वो बाद में समझना अभी बस मैं कुछ शब्द पूछ रहा हूं मुझे आंसर देना क्या फ्यूचर प्राइस हमेशा ज्यादा होगा स्पॉट प्राइस से सोच के बोलना क्या फ्यूचर प्राइस चाहे आप थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस निकाल रहे हो चाहे एक्चुअल एक्चुअल भी बहुत ज्यादा कम नहीं होता स्पॉट प्राइस से फ्यूचर प्राइस हमेशा ही ज्यादा होगा या फिर कम भी हो सकता है सर वैसे तो 99 नाइन परसेंट केसेस में हमेशा फ्यूचर प्राइस ज्यादा ही होना चाहिए लेकिन अगर कभी डिविडेंड अमाउंट ज्यादा हो गया देखो इंटरेस्ट डिविडेंड माइनस कर ज्यादा हो गया तो फिर सर दिक्कत है और फिर क्या होगा फिर फ्यूचर प्राइस कम होगा इट मीन्स वैसे हिंदी में लिखवा रहा हूं वैसे फ्यूचर हमेशा आपको लिखना नहीं है लिखा लिखना नहीं लिखना वो बच ज्यादा होगा वैसे फ्यूचर ज्यादा होगा पर डिविडेंड अगर ज्यादा है बट डिविडेंड ज्यादा है इंटरेस्ट से तो फ्यूचर प्राइस कम हो सकता है कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं सर ठीक है ये बात समझ फ्यूचर इज ऑलवेज फ्यूचर इज मोर देन स्पॉट प्राइस इन नाइनटी नाइन परसेंट केसेस एक ही कंडीशन में कभी भी फ्यूचर कम हो सकता है जब डिविडेंड ज्यादा यहां तक हमको बात समझ में आती है तो ना कुछ शब्द यूज किए जाते हैं और शब्द क्या यूज किए जाते हैं अगर फ्यूचर इज मोर देन फ्यूचर ज्यादा होना ही है अगर मैं एक डॉट लगाऊ लिखूफ फ्यूचर इज मोर देन स्पॉट अगर फ्यूचर ज्यादा है किससे स्पॉट से इट मींस इसको और ऐसे लिख दो फ्यूचर इज मोर देन स्पॉट फ्यूचर ज्यादा जो कि होना चाहिए तो ऐसा जो मार्केट है इसको ऐसे मार्केट को बोलते हैं कॉन्टेंगो मार्केट कॉन्टेंगो हिंदी में बोलते हैं उसको सीधा बदला सीधा बदला सीधा बदला हिंदी में सीधा बदला बोला जाता है मार्केट में सीधा बदला सिंपल सी बात है और होना भी चाहिए सीधा बदला मतलब यार फ्यूचर ज्यादा है इट मीन्स कभी पूछा जाता ना यार फ्यूचर क्या चल रहा है स्पॉट क्या चल रहा है रिलायंस का फ्यूचर क्या चल रहा है ज्यादा चल रहा है स्पॉट से कि कम चल रहा है तो ये बोल दिया कि सीधा बदला है या ये बोल दिया कॉन्टेंगो है मार्केट कॉन्टेंगो कॉन्टेंगो मतलब यार फ्यूचर ज्यादा है ठीक है ये शब्द मुझे ये इन शब्दों का क्या यूज है कोई यूज नहीं है पर ये शब्द आ जाते हैं एक तो क्वेश्चन में कहीं ये शब्द आ जाएगा या तो फिर मार्केट में ही शब्द चलते है. तो आइडिया तो होना चाहिए दूसरा फ्यूचर इज लेस देन स्पॉट फ्यूचर कम है वैसे नहीं होना चाहिए पर फ्यूचर कम है भाई इस बार ये कम है डिविडेंड की वजह से तो ऐसे मार्केट को बोलते हैं बैकवर्डेशन इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते है? उल्टा बदला बदला होना चाहिए बदला होना चाहिए उल्टा बदला बैकवर्डेशन अच्छा और मैं बता रहा हूं अगर हम स्पॉट से माइनस करते फ्यूचर को स्पॉट से फ्यूचर को माइनस करते तो इसको बोलते हैं इसको भी एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं बेसिस अच्छा सर बेसिस ठीक है तो ये शब्द काम आने वाले है। अच्छा एक बात पूछूं बेसिस अगर नेगेटिव है बेसिस अगर नेगेटिव है तो बोलो मार्केट कॉन्टेंगो होगा कि बैकवर्डेशन होगा अगर बेसिस नेगेटिव है बेसिस नेगेटिव है मतलब मतलब सर फ्यूचर ज्यादा है अगर बेसिस नेगेटिव मतलब फ्यूचर ज्यादा और फ्यूचर तो ज्यादा होना ही चाहिए तो ऐसा मार्केट कॉन्टेंगो ठीक अगर बेसिस पॉजिटिव है बेसिस पॉजिटिव स्पॉट ज्यादा है, है तो भाई ऐसा ऐसा मार्केट बैकवर्डेशन कहलाएगा ठीक है, है। खैर ये ना कहीं कॉपी में लिख लेना ये चीज आपके बुक में नहीं लिखी हुई है इसलिए मैंने ये करवा दिया है यहां, यहां एक्स्ट्रा ठीक है ब्रेक लेना पर ब्रेक लेने से पहले मैं फिर से बोल दूं कि अभी आज की अभी ब्रेक से पहले हमने क्या क्या पढ़ा ठीक है सर तो अभी ब्रेक को तो टाइम है हाँ पर मुझे कुछ नया कॉन्सेप्ट करवाना है ना वो ब्रेक के बात करें तो ज्यादा अच्छा क्या क्या पढ़ा सुनते हैं एक तो बड़ा साहब सबसे इंपॉर्टेंट थियोरिटिकल फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस प्लस अगर मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूं तो मेरा इंटरेस्ट बचेगा इंटरेस्ट से उठ माइनस डिविडेंड फॉरकॉन डिविडेंड का सेक्रीफाइस हो जाएगा या फिर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा एस वन प्लस आर माइनस डी दूसरी बात डिविडेंड रेट दिया है तो फेस वैल्यू पे डिविडेंड दिया है तो मार्केट प्राइस पे स्पॉट प्राइस पे और यील्ड को हमको पीरियोडिकल करना होता है ठीक है ये भी बात समझ में आ गई दूसरा अगर फ्यूचर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस एक्चुअल एक्चुअल ज्यादा है हम जो निकाल रहे हैं उससे तो हम क्या कहेंगे फ्यूचर इज ओवर अगर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कम है फ्यूचर इज अंडर और हमारे हिसाब से एक्चुअल फ्यूचर प्राइस बराबर होना चाहिए हम जो निकाल रहे हैं उसके नहीं तो आर्बिट्रेज हो जाएगा और वही आर्बिट्रेज में आपको समझाने वाला हूं ब्रेक के बाद ठीक है तो ब्रेक के बाद मिलते हैं और बेहतरीन वो शायद आपका टाइम डेढ़ घंटा से ज्यादा खींचा जाए क्योंकि इसमें तो मुझे बहुत कुछ डिस्कशन करना है आराम से धीरे धीरे बात करेंगे वो इंपॉर्टेंट एरिया है ठीक है जी ओके थैंक यू ब्रेक ले लेते हैं